गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 14, नटखट चूहा फ्रॉम अवर हिंदी रिमझिम टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 85। ये बहुत एक मज़ेदार कहानी है, आपको सुनने में मज़ा आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। एक चूहा था और बड़ा कैसा था, एकदम नटखट था, एकदम मस्तीखोर था वो, और बड़ा ही चालाक था और साथ में चतुर भी था। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। उसको हमेशा ऐसा करता था, मैं खाली ना बैठूँ, फ्री ना बैठूँ, मैं कुछ भी मस्ती करूँ, शरारत करूँ। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊँगा। दिल में मतलब अपने वो माइंड में सोचा, उसने मन में सोचा कि आज मैं शहर घूमने जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। उसने सोचा कि आज तो मैं बाहर जाऊंगा ही घूमने, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका जो बिल मतलब उसके घर को कहते हैं जहाँ चूहा रहता है। तो घर में बैठकर मतलब बिल से बाहर निकलते मेरे बहुत दिन हो गए और मेरा दिल जो है ना वो घबरा गया है, क्योंकि घर में जब आप बैठे रहते हो, आप बाहर नहीं निकलते हो, सारा दिन घर में ही बैठे रहो तो आप भी बोर हो जाओगे। तो वैसे भी चूहा बोर हो गया था। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। तरह चूहा एकदम फटाफट रेडी हो गया जल्दी से और शहर के लिए वो निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। ऐसे वो रास्ते में जा रहा था और उसको क्या दिखाई दिया, एकदम बड़ी सी कपड़े की दुकान। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। अभी तो दुकानदार सुबह हुई है, मॉर्निंग का टाइम है, और दुकानदार अभी दुकान खोल ही रहा है और अंदर खोलकर वो जा ही रहा है, तब तक तो वो नटखट चूहा अंदर चुपचाप पीछे अंदर से चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। जैसे दुकानदार खोलकर अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र एकदम चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? दुकानदार ने कहा कि अरे चूहे, तू मेरी शॉप पे क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से फटाफट। पेज नंबर 86। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहा एकदम बोला कि मुझे है ना एक टोपी बनवानी है दर्जी, आप एक काम करो, टोपी के लिए मुझे एक टुकड़ा दे दो या तो कुछ कपड़ा दे दो। दुकानदार हंसा, हा हा हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। दुकानदार एकदम हंसने लगा कि मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता, मैं तो जो दर्जी हूँ ना वो आदमी के लिए हूँ, मतलब मनुष्य के लिए हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ काम करता नहीं हूँ। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? चूहे ने वार्निंग दी उसको कि पक्का तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर, चल तू यहाँ से भाग, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, सुबह सुबह का टाइम है, मुझे बहुत सारा काम है। ऐसा दुकानदार चूहे से बोला। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। अब तो चूहे ने तो एकदम गाना स्टार्ट कर दिया कि रात में आऊँगा तेरी दुकान में, अपनी सेना, सेना मतलब उसकी जो चूहे की जो टोली है, पूरा ग्रुप है, वो लेकर आऊँगा और तेरे जो इतने सारे जो तेरी दुकान में कपड़े हैं ना, सारे मेरे दांसे में कुतरूँगा या कुतर डालूँगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। दुकानदार एकदम डर गया, क्योंकि उसकी शॉप, उसको चूहे वहाँ आएंगे और उसके सारे कपड़े कुतर डालेंगे तो काम क्या करेगा, उसको काम क्या मिलेगा। तो दुकानदार ने बोला कि चूहे भैया ऐसा मत करो, मैं तुझे अच्छा सा कपड़े का, रेशमी जो कपड़े का टुकड़ा है वो दे देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा।
अब फिर कहाँ पहुँचा वो, दुकानदार का काम तो उसका हो गया, वो दुकान से वहाँ से निकल गया और अब वो दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। मेरे से तेरा मुझसे काम है? क्या काम है? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। मैं जो आपको ये रेशमी कपड़ा देता हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए अच्छी सी टोपी सिल दो। पेज नंबर 87। दर्जी हंसा। दर्जी फिर से हंसने लगा। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरा अभी टाइम वेस्ट मत कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने ऐसा कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? उसने फिर से धमकी दी। किसको धमकी दी? चूहे ने दर्जी को। नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा, नहीं मैं तेरी टोपी नहीं सिलूंगा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। चूहे ने फिर से जो दुकानदार को धमकी दी थी वैसे ही दर्जी को बोला। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। दर्जी ने बोला कि चूहे भैया प्लीज़ मेरे कपड़े मत कुतरना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। पहले तो एकदम अच्छे से उसने टोपी पहनी अपने सिर पर और आईने में अपना चेहरा दिखाया। पेज नंबर 88। यह टोपी तो एकदम सादी है, ये तो बहुत सिंपल है, चूहे ने ऐसा बताया। मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने ऐसा सोचा कि ये जो टोपी मेरे पास है वो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर मैं चमकीले या सितारे लगवाऊंगा तो इससे और ज़्यादा टोपी सुंदर लगेगी। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शांत से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। वह ऐसे रास्ते में फिर से वो टोपी लेकर जा रहा था, उसको एक दुकान पर नज़र पड़ी। वो दुकान कैसी थी? जहाँ पे सितारे बिक रहे थे, सितारे वहाँ मिल रहे थे, सुनहरे और रूपहले, मतलब चमकीले जैसे। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? दुकानदार ने कहा कि अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ। चूहे ने ऐसा बोला कि मुझे अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे चाहिए, आप मुझे दो। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर, चल यहाँ से भाग। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? उसने बोला कि एक चूहे को सितारों से क्या मतलब होता है? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर से चूहे ने गुस्से से उसको पूछा, किसको? सितारे वाले से, कि आप मुझे सितारे बेचते हो या नहीं? तब सितारे वाले ने मना कर दिया। फिर चूहे ने उत्तर दिया, आंसर दिया कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, सारे सितारे बिखेरूँगा, मतलब मैं बिखर दूँगा, मतलब फैला दूँगा। पेज नंबर 89। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना। दुकानदार फिर से वो डर गया, जैसे पहला दुकानदार कपड़ा वाला था वो और दर्जी दोनों की तरह, इस तरह ये वाला जो सितारे वाला दुकानदार था वो भी डर गया। चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा, मतलब लगा भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा।
वो अंदर ही अंदर उसका जो मन है वो ऐसे नाचने लगा कि वाह कितनी अच्छी सी और सुंदर टोपी बनी है। वह सोचने लगा मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। ऐसे वो अपने आप ऐसे सोचने लगा कि मैं भी एक राजा से कम नहीं हूँ, मतलब मैं राजा जैसा ही लग रहा हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊँ? वो सोचने लगा कि मैं अपनी ये सुंदर टोपी मैंने इतनी मेहनत से बनवाई है वो मैं किससे दिखाऊँ? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। एक घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। एक घंटे के अंदर फटाफट नटखट चूहा राजमहल में जा पहुँचा और राजा के पास चला गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा को एकदम शॉक लगा, आश्चर्य हुआ कि ये चूहा अभी अभी क्यों आया है इधर। उसने पूछा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ आए हो चूहा? चूहे ने कहा महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। चूहे एकदम नटखट था, शरारती था, तो चूहे ने राजा को क्वेश्चन किया कि मैं कैसा लग रहा हूँ राजा बताओ तो। राजा ने जवाब दिया वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूँगा। राजा ने ऐसा जवाब दिया कि तू तो एकदम राजकुमार जैसे लग रहे हो। तो चूहा बोला अच्छा ऐसा मैं राजकुमार जैसा लग रहा हूँ, तो एक काम करो आपकी जो ये गद्दी है ना, आपकी जो चेयर है ना, राजा की जो चेयर होती है ना राजमहल में, आप उतरो उस गद्दी से और मैं अब यहाँ बैठूँगा। पेज नंबर 9090। राजा को हंसी आ गई। राजा हंसने लगा। उसने कहा भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। उसने बोला चल यहाँ से भाग, फटाफट भाग जा, मेरा सिंहासन जो है ना, मेरी जो ये गद्दी है ना, वो चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने कहा तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? चूहा एकदम गुस्से से बोला, फिर से उसको वॉर्न किया कि तुम अपनी गद्दी मुझे नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उसका जवाब दिया कि मैं भी मेरी जो गद्दी है, मेरा जो सिंहासन है, वो तेरे लिए नहीं है, वो तो राजा के लिए है, तो मैं नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा, अपनी बात पर एकदम अड़ा ही रहा वो कि नहीं मैं तुझे अपनी गद्दी या अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने आदेश किया पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि राजा ने एकदम ऑर्डर दिया सिपाही को, सैनिक जो वहाँ खड़े थे, कि इस चूहे को पकड़ लो। तो सब लोग एक चूहे के पीछे भागने लगे, दौड़ने लगे। पेज नंबर 91। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब वो छोटा सा चूहा और ये लोग बहुत सारे, तो वो तो बीच में से फटाफट, चूहा कितना स्पीड में भागता है आपको पता है, तो एक तो बीच में से वो निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। राजा ने सोचा चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, मतलब इधर उधर सब फैला देगी। वह डर से कांपने लगा, वो भी डर गया, एक राजा भी चूहे से डर गया। चूहे ने फिर कहा रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। अरे चूहे भैया आप तो ऐसे ही नाराज़ हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे राजा ने चूहे को थोड़ा बटर लगाया। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। मतलब बोला राजा ने कि लो मैं अभी मेरे सिंहासन छोड़ता हूँ और आप उस पर जितना चाहे, जितनी देर तक आपको बैठना है आप यहाँ पे बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ, शान से एकदम गर्व से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। पेज नंबर 92। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। जो अपने दोस्त थे चूहे के, उन चमकीली टोपी
वो अपने दोस्तों को दिखाई, मतलब साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। आज पूरा दिन चूहे ने क्या किया, कहाँ गया, ये टोपी कैसे बनी, तो सब कुछ जो स्टोरी थी उसके दोस्त उसके मुंह से सुनना चाहते थे। तो ये है हमारा लेसन नंबर 14, नटखट चूहा। बाय एवरीवन।